इस्लाम कहने को दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा धर्म है, लेकिन दुनिया में कई ऐसे देश भी हैं जहां मुस्लिमों का रहना बिल्कुल मना है। इन देशों में एक भी मुस्लिम नहीं रहता। आज के वीडियो में दोस्तों हम कुछ ऐसे ही देशों के बारे में बात करने जा रहे हैं जहां एक भी मुस्लिम नहीं रहता और ना ही यहां मुस्लिमों का रहना अलाउ है। तो इस इंटरेस्टिंग जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नंबर 7, ग्रीनलैंड। दोस्तों ग्रीनलैंड में मुस्लिम आबादी का अनुमान अन्य देशों की तुलना में काफी कम है। ग्रीनलैंड एक विशाल और दुर्लभ जनसंख्या वाला देश है जिसकी कुल जनसंख्या लगभग 56,000 है। इसमें मुस्लिम समुदाय की संख्या बहुत कम है और विभिन्न स्रोतों के अनुसार ग्रीनलैंड में रहने वाले दूसरे धर्म के लोगों की संख्या कुछ 100 के आसपास है। ग्रीनलैंड में मुस्लिम समुदाय मुख्यतः प्रवासियों से बना है जो विभिन्न देशों से आए हुए हैं, विशेष रूप से मिडिल ईस्ट और उत्तरी अफ्रीका से। यहाँ पर एकमात्र मस्जिद नूक में स्थित है जो कि ग्रीनलैंड की राजधानी है। इस मस्जिद का निर्माण 2000 के दशक में हुआ था और यह एक छोटी लेकिन महत्वपूर्ण सामुदायिक केंद्र के रूप में कार्य करती है। यहाँ मुस्लिम आबादी के नाम पर केवल एक शख्स रहता है जो कि नूक में रहता है। इसका नाम वसीम अजकीर है और यह एक रेस्टोरेंट चलाता है। नंबर 6, मोनाको। दोस्तों यूरोप महाद्वीप में एक छोटा सा देश है मोनाको, जो टैक्स फ्री कंट्री होने के साथ अपनी शानदार जीवन शैली और कैसिनो के लिए प्रसिद्ध है। फ्रांस और इटली के बीच स्थित मोनाको दुनिया का दूसरा सबसे छोटा देश है। यहाँ दुनिया के किसी भी देश से ज्यादा प्रति व्यक्ति करोड़पति हैं। यहाँ यूं तो सभी धर्म के लोग रहते हैं लेकिन केवल चर्च है और कोई दूसरे धर्म स्थल नहीं। मोनाको दुनिया का दूसरा सबसे छोटा और सबसे अमीर देशों में से एक है जिसकी कुल जनसंख्या लगभग 36,000 है। यहाँ की 90% आबादी ईसाई धर्म को मानती है जबकि 9% लोग नास्तिक हैं। मोनाको में मुस्लिम आबादी मात्र 280 के आसपास है जो कुल जनसंख्या का 1% से भी कम है। मोनाको में इस्लाम के अनुयायियों की संख्या इतनी कम है कि यह देश मुस्लिम आबादी के हिसाब से दुनिया के सबसे छोटे देशों में से एक माना जाता है। नंबर 5, सोलोमन आइलैंड। दोस्तों इस लिस्ट में 5वें नंबर पर आता है खूबसूरत और हरियाली से भरा सोलोमन आइलैंड। यह आइलैंड 28,896 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है और इनमें से 900 से भी ज्यादा द्वीप मौजूद हैं। सोलोमन आइलैंड में ईसाई धर्म को मानने वालों की संख्या सबसे ज्यादा है जबकि इस्लाम के फॉलोअर्स माइनॉरिटी में है। यहाँ की आबादी लगभग 7,00,000 के आसपास है लेकिन इसमें केवल 70 से 80 मुसलमान है। खबरों के अनुसार यहाँ इस्लाम का आगमन 1980 के दशक में हुआ था। तबलीगी जमात द्वारा यहाँ इस्लाम का प्रचार किया गया था लेकिन आज यहाँ इस्लाम के प्रचार प्रसार पर सख्ती बरती जाती है। यहाँ एक मस्जिद आज भी मौजूद है लेकिन इसे हटाने के लिए अक्सर आंदोलन चलते रहते हैं। यही वजह है कि यहाँ के मुसलमानों को यहाँ से पलायन करना पड़ता है। नंबर 4, स्लोवाकिया। दोस्तों स्लोवाकिया यूरोप में स्थित एक ऐसा देश है जहां मुसलमानों की आबादी बहुत कम है। यहां उनकी पूजा पाठ के लिए एक भी मस्जिद या मदरसा नहीं है और ना ही उन्हें मस्जिद बनाने की अनुमति है। यह देश बहुत पहले चेकोस्लोवाकिया का हिस्सा हुआ करता था लेकिन 1993 में इसके अलग होने के बाद स्लोवाकिया एक स्वतंत्र देश बन गया। 19वीं शताब्दी के दौरान यहां 200 से ज्यादा मस्जिदें हुआ करती थीं, लेकिन बाद में सभी मस्जिदों को गिरा दिया गया। आज यहां मुसलमानों का मिलना बेहद मुश्किल हो गया है। साल 2016 में यहाँ की पार्लियामेंट ने एक बिल पास किया था जिसके चलते देश का कोई भी नागरिक खुद को मुसलमान रजिस्टर नहीं करा सकता है और धर्म की सूची में इस्लाम का नाम ही नहीं है। यह कानून स्लोवाकिया में इस्लामिक पहचान को नकारने का प्रयास करता है और मुसलमानों की धार्मिक स्वतंत्रता को सीमित करता है। इस देश में मुस्लिम समुदाय के लिए कोई भी धार्मिक स्थल न होने के कारण उनकी पूजा अर्चना में कठिनाइयां आती हैं। इस्लाम धर्म के अनुयायियों को अपने धार्मिक अनुष्ठान और कार्यक्रम निजी स्थानों पर ही करने पड़ते हैं। स्लोवाकिया में मुस्लिम समुदाय के लोगों के लिए एक सुरक्षित और स्वीकार माहौल की कमी है जिससे उनकी धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान पर असर पड़ता है। स्लोवाकिया में मुस्लिम समुदाय का अस्तित्व एक महत्वपूर्ण मुद्दा बना हुआ है और धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकारों की बात हो तो यह मुद्दा केवल धार्मिक ही नहीं बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक स्वतंत्रता से भी जुड़ा हुआ है। स्लोवाकिया में मुस्लिम समुदाय के लोग अपनी धार्मिक पहचान को बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रहे हैं।
नंबर 3 नॉर्थ कोरिया। दोस्तों नॉर्थ कोरिया एक ऐसा देश है जहां धर्म को गुनाह माना जाता है। यहां के तानाशाह किम जोंग उन नास्तिकता पर विश्वास रखते हैं और इसीलिए पूरे देश में किसी भी धर्म को मानने की अनुमति नहीं है। यहां के सभी धर्म स्थल बंद कर दिए गए हैं, चाहे वह मस्जिद हो, चर्च हो या मंदिर। खबरों के अनुसार कभी यहां 3000 मुसलमान रहते थे, लेकिन अब उनकी संख्या शून्य हो गई है। यहां किसी भी प्रकार के धार्मिक आयोजन की अनुमति नहीं है। साल 2013 में ईरान एम्बेसी द्वारा एक मस्जिद बनाई गई थी यहां, लेकिन वह भी केवल मुस्लिम देशों के दूतावास के कर्मचारियों के लिए है। नंबर 2 टोकेलाउ। दोस्तों टोकेलाउ न्यूजीलैंड का एक द्वीप क्षेत्र है जो केवल 10.5 वर्ग किलोमीटर के संयुक्त भूमि क्षेत्र को कवर करता है। यह देश सबसे छोटी अर्थव्यवस्था वाला देश भी कहा जाता है। टोकेलाउ में ईसाई धर्म को मानने वालों की संख्या सबसे ज्यादा है और यहाँ इस्लाम के प्रचार प्रसार पर कड़ी पाबंदियां भी हैं। यहाँ की जनसंख्या लगभग 1900 के आसपास है, इसलिए इसे सबसे छोटा और कम आबादी वाला देश भी कहा जाता है। इस देश में मुसलमानों की संख्या लगभग शून्य मानी जाती है और यहाँ ना तो एक भी मस्जिद है और ना ही मदरसा। टोकेलाउ की अर्थव्यवस्था बहुत छोटी है और इसे सबसे कमजोर अर्थव्यवस्थाओं में से एक माना जाता है। ईसाई धर्म की प्रधानता के कारण यहाँ इस्लाम के अनुयायियों के लिए कठिनाइयां होती हैं और इस्लाम के प्रचार पर सख्त पाबंदियां हैं। यह द्वीप क्षेत्र अपनी सीमित जनसंख्या और छोटे भूमि क्षेत्र के कारण दुनिया के सबसे छोटे देशों में गिना जाता है। नंबर 1 वेटिकन सिटी। दोस्तों वेटिकन सिटी इस लिस्ट के नंबर 1 पर है। यह दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहां एक भी मुसलमान नहीं है। वेटिकन सिटी इटली की राजधानी रोम के बीचों बीच बसा हुआ है और यह दुनिया का सबसे छोटा देश भी है। यह देश लगभग 49 हेक्टेयर के क्षेत्र में बसा है और यहां सिर्फ ईसाई धर्म को मानने वाले लोग ही रह सकते हैं। यह पॉप का देश है और यहां के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी पॉप ही हैं। वेटिकन सिटी में सेंट पीटर बेसिलिका चर्च मौजूद है जो दुनिया का सबसे बड़ा चर्च है। दोस्तों इस देश में किसी भी अन्य धर्म के लोग नहीं रह सकते और ना ही यहां कोई अपना धार्मिक स्थल बना सकता है। वेटिकन सिटी में मुसलमानों के लिए कई पाबंदियां हैं। यहां इस्लाम के अनुयायियों को ना तो बसने की अनुमति है और ना ही अपने धार्मिक स्थलों का निर्माण करने की। मुसलमानों को यहां धार्मिक आयोजनों या सभाओं की अनुमति नहीं है। इसके अलावा इस्लाम के प्रचार प्रसार पर भी यहां सख्त पाबंदियां हैं। किसी भी प्रकार के धार्मिक प्रतीकों का सार्वजनिक रूप से प्रदर्शन करने की अनुमति भी यहां नहीं है। वेटिकन सिटी एक ईसाई राष्ट्र है और यह पूरी तरह से पॉप और कैथोलिक चर्च के अधीन है। यह देश धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से एक रूपता बनाए रखने के लिए जाना जाता है। यहां की सारी गतिविधियां नियम ईसाई धर्म और कैथोलिक चर्च के सिद्धांतों के अनुसार संचालित होती हैं। इस प्रकार वेटिकन सिटी एक अनूठा देश है जहां मुसलमानों के लिए कई प्रकार की पाबंदियां हैं और यह दुनिया का सबसे छोटा देश होते हुए भी अपने धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व के लिए विश्व प्रसिद्ध है। यहां केवल ईसाई धर्म के अनुयायियों को रहने और धार्मिक गतिविधियों में भाग लेने की अनुमति है। वैसे दोस्तों इन देशों के अलावा हमारा पड़ोसी देश भूटान भी एक मुस्लिम विहीन देश कहा जा सकता है। भूटान में फिलहाल कोई मस्जिद नहीं है, जो इसे मोनाको और स्लोवाकिया के साथ एकमात्र ऐसा देश बनाता है जिसमें मस्जिद नहीं है। देश की मौजूदा मुस्लिम आबादी अन्य गैर बौद्ध धर्म के लोगों के साथ जकार में बने एक छोटे से प्रार्थना कक्ष में प्रार्थना करती है। इस तरह भूटान को भी हम मुस्लिम विहीन देश मान सकते हैं। इसके अलावा उरुग्वे में भी मस्जिद बनाने की इजाजत नहीं है। इस तरह दुनिया में कई ऐसे देश हैं जहां इस्लाम धर्म को मान्यता नहीं दी जाती। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या आने वाले समय में इन देशों में इस्लाम का बोलबाला हो सकता है? क्या इस्लाम जिस तेजी से पूरी दुनिया में फैला है वो इन देशों में भी फैल सकता है? अपने जवाब हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें।